और ये टायर आ गया बाहर। दस हज़ार किलोमीटर्स मेटज़ेलर M5, हालत हो गई है ऐसी कि आप अपनी शक्ल देख लो। नहीं, अभी थोड़े बहुत थ्रेड बचे हुए हैं और नेक्स्ट टायर चेंज कराने का आ गया है टाइम। मैं अभी फ़िलहाल हूँ द राइडर सिंह स्टोर पे, तो अभी रियर टायर बाहर निकालेंगे और उसकी जगह डालेंगे पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स कॉम्प। टायर चेंज कराने का टाइम आ गया है, आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे मेटज़ेलर M5 पे। प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ मेटज़ेलर। माइनस पॉइंट तो एक ही है कि उसकी लाइफ बहुत कम है, और दूसरा भी है पंचर होता है। पंचर यार अब वो मतलब ऑफ रोड नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ रोड बिल्कुल रोड पे चला लो भाई, वो मतलब वो अमीर टायर है, ठीक है ना, वो रोड पे चलने के लिए। अभी टायर निकलवाते हैं और आपको पहले तो टायर दिखाते हैं कि टायर कैसा है। टायर अच्छा है। करंटली टायर की हालत है ये, एक साइड से तो पूरा बचा हुआ है लेकिन यहाँ से ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। ये अभी चलेगा 1,500 किलोमीटर और, बट वील यूज़ इट एज अ स्पेयर टायर। इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये टायर थोड़े टाइम के लिए डाल लिया जाएगा वापस। अब इसको करेंगे अनमाउंट, सो ये अनमाउंटिंग प्रोसेस। और ये टायर आ गया बाहर। रिम से करना पड़ेगा ABS वाली डिस्क को अनमाउंट। अलग क्यों करते हैं इधर भाई? टायर चेंज करवाने। रिकमेंडेड कि आप वो ABS वाली जो डिस्क है वो अलग कर ले, बेंड होने का खतरा नहीं रहेगा। तो टायर जो हम डलवाने वाले हैं वो है पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स कॉम्प। फैंटम स्पोर्ट्स कॉम्प ओल्ड टायर है, 0 degree रेडियल बेल्ट, स्टील बेल्ट है एंड ओवरऑल ग्रिप बहुत अच्छी है। अगर आपने डुगाटी स्क्रैम्बलर देखी होगी, डुगाटी स्क्रैम्बलर एंड इंटरसेप्टर 650 में स्टॉक आता है। तो अभी जाते हैं, एक प्रोफाइल अप है, 150/70 है, 150/60 नहीं है, तो गाड़ी थोड़ी पीछे से ऊँची हो जाएगी। अभी टायर चेंज कराएंगे और भैया क्या चढ़ा रहे हैं ऊपर, टायर चेंज कराओ ढंग की जगह से, जिधर पे ऐसी वाली मशीन हो। हाथ से चढ़ाओगे तो टायर की भी बजेगी और आपका रिम भी जाएगा, तो टायर चेंज कराने का लेकिन अच्छी जगह। और ये लगाया भैया ने सोप। और ये टायर आ गया बाहर। मेटज़ेलर M5 आउट, पिरेली स्पोर्ट्स कॉम्प इन। दिस टायर इज 150/70, 10 पॉइंट्स ऊपर है प्रोफाइल। देखते हैं अभी क्या डिफरेंस आता है, अगर नहीं जमा तो फिर मेटज़ेलर फीलिंग। सो टायर चेंज, जाके वापस लगवाते हैं फिर देते हैं रिव्यू। स्पोर्ट्स कॉम्प लग गया है टायर और अब वापस फिट करेंगे। ट्रेड पैटर्न आप देख सकते हैं, दिस पैड्स भी ऑलमोस्ट खिस ही चुके हैं। सोच रहा हूँ कि मैं EBC के डिस्क पैड्स डालूंगा। तो अब टायर लगेगा, टायर उठाते हैं। टायर सेट हो गया अपनी जगह पे और अब बस बोल्ट ऑन करेंगे एंड व्यूज आर लुकिंग रियली नाइस। अच्छे दिख रहे हैं, घुमा सकते आपके भी डिस्क पैड नहीं लगा। थोड़ा सा प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी ऊँची हो, 10 mm ऊँची होगी, सो बाइक थोड़ी सी हाइट में आ जाएगी। ग्रीस देगा पहचान, मेहनत की पहचान। इस टायर का रिव्यू देंगे हम आपको शाम को या कल। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई एम यासिर, यू आर विद मोटर जुमर, वी आर एट राइडर सिंह। अब मैं वापस जाता हूँ और टायर डन हो गया है, तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं टायर का कैसा चल रहा है।